हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वी शिक्षा मेक्स योर स्टडी इजी आज हम आपके लिए क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर फाइव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एमसीक्यूज लाए हैं ये एमसीक्यूज आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नाउ क्वेश्चन नंबर वन द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज प्रोपोज बाय जो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो इनमें से किसने प्रपोज किया था और आपके ऑप्शन है ए न्यूलैंड बी डोवेनियर सी मैं या डी हेनरी मोसले एंड योर आंसर इज ए न्यूलैंड जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो न्यूटलैंड ने जो है प्रपोज किया जाता है ऐसा माना जाता है कि ही इज़ द फाउंड ऑफ म्यूजिक उन्हें म्यूजिक के वो आपके जो म्यूजिक के लवर थे और उन्होंने फाइंड आउट किया था कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट जो आपका आठवां एलिमेंट होगा वो आपकी वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसकी होती है उसके सिमिलर होगी क्वेश्चन नंबर टू द नंबर ऑफ पीरियड एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इज़ आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप वो आपका कितना है आपके ऑप्शन है ए आपके पीरियड सिक्स है एंड ग्रुप आपके एटीन है बी पीरियड आपके सेवन है एंड ग्रुप आपके एटीन है या सी पीरियड आपके एटीन है और ग्रुप आपके सेवन है डी नन ऑफ दीज एंड योर आंसर इज बी आपके जो पीरियड है वो सेवन होते हैं एंड जो आपके ग्रुप है वो आपके एटीन होते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें अंदर जो है आपके एटीन वर्टिकली कॉलम नॉन एज ग्रुप एंड सेवर हॉरिजेंटल रोज आर नॉन एज पीरियड क्वेश्चन नंबर थ्री विच पीरियड इज कॉल्ड टिपिकल पीरियड एंड वाई आप कौन सा ऐसा पीरियड है जिसको हम टिपिकल पीरियड कहते हैं और क्यों एंड योर ऑप्शन इज ए सेकेंड बिकॉज इट्स एलिमेंट आर बिलोंग टू एलकाइज अर्थ मेटल बी थर्ड पीरियड बिकॉज इट्स एलिमेंट डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ग्रुप

फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे कि आपका सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड एरगॉन ये सब जो है आपके थर्ड पीरियड के अंदर एलिमेंट आते हैं जो सोडियम है वो आपका फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेटल है वो सबके सब जो है एलक्राई ग्रुप के होते हैं तो हर एलिमेंट जो अपने अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है दे आर द डिसाइडर क्वेश्चन नंबर फोर एन एटम हैज़ इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन टू एट सेवन वट इज़ द एटोमिक नंबर एंड इन विच ग्रुप इट्स बिलोंग आपका एक जो एटम है उसकी जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी टू एट सेवन है तो आपको बताना है कि इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है और आपके ऑप्शन है ए एटमिक नंबर इज सेवन एंड ग्रुप नंबर सेवनटीन बी एटमिक नंबर इज एट एंड ग्रुप नंबर इज सेवन सी एटमिक नंबर इज टू एंड ग्रुप नंबर टू डी एटमिक नंबर इज सेवनटीन एंड ग्रुप नंबर इज सेवनटीन एंड योर आंसर इज डी एटमिक नंबर इज सेवनटीन एंड ग्रुप नंबर सेवनटीन आपका जो एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टू एट सेवन है वो आपका जो है ग्रुप नंबर सेवनटीन से बिलोंग करता है देखिए जो आउटर शेल होती है जो नंबर ऑफ बैलेंस शेल होती है उसके अंदर जो है सेवन इलेक्ट्रॉन है सो वी प्लस टेन इन सेवन एंड सम इज सेवनटीन तो इस तरह से हम जो है बैलेंस शेल के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो वन और टू मोर देन वन एंड टू है तो उसके अंदर हम टेन प्लस करके उसके ग्रुप का पता कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन देयर जो आपके मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है ए इंक्रीजिंग एटोमिकमेस इन द पीरियड बी इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर इन दॉरिजेंटल रोज सी इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर इन वर्टिकल कॉलम्स टी इंक्रीजिंग एटोमिक मैस इन द ग्रोप एंड योअर आंसर इज बी इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर इन दॉरिजेंटल रो जो आपका अरेंजमेंट है एलिमेंट का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में है in horizontal rows. अब number, इन हॉरिजेंटल रोज आप देखिए विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर वी फाइंड मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मैथ क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ग्रुप आर बिलोंग टू पी ब्लॉक में से कौन सा ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है और आपके ऑप्शन हैं ए ग्रुप नंबर वन टू टू बी ग्रुप नंबर थ्री टू ट्वेल्व सी ग्रुप नंबर थर्टीन टू एटीन या डी ऑल ऑफ दीज एंड योर आंसर इज सी ग्रुप नंबर थर्टीन टू एटीन इसको हम जो है पी ब्लॉक कहते हैं जो आपका ग्रुप नंबर वन एंड टू है उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं और जो आपका ग्रुप नंबर थ्री टू ट्वेल्व है उसे हम डी ब्लॉक कहते हैं और आपके लेंथीनॉइट्स एंड एक्टिनॉइड्स को हम एफ ब्लॉक के अंदर रखते हैं और थर्टीन टू एटीन जो आपका पी ब्लॉक होता है इसलिए हमने चार ग्रुप को जो है चार ग्रुप के अंदर चार ब्लॉक के अंदर जो है डिवाइड किया होता है एस ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज टू शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो शेल होती है और दोनों की दोनों जो कंप्लीट फिल्ड होती है और आपके ऑप्शन है ए हीलियम बी नियॉन सी कैल्शियम या डी बोरॉन एंड योर आंसर इज बी नियोन नियोन आपका ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो सेल होती है और ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है और ये ग्रुप नंबर 18 से बिलॉन्ग करता है देखो इसकी जो कॉम्प्लीकेशन होती है वो टू एंड एट होती है और ये ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है और सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है इट्स बो सेल के एंड एल आर कंप्लीटली फिल्ड क्वेश्चन नंबर एट द नंबर ऑफ शेल ऑफ एटम इज इक्वल टू जो आपका एटम होता है उसके जो शेल का जो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है आपके ऑप्शन है ए एटॉमिक मास बी एटॉमिक वॉल्यूम सी ग्रुप नंबर या डी पीरियड नंबर एंड योर आंसर इज डी पीरियड नंबर आपका जो एक एटम होता है उसके अंदर जितनी शेल होती है वो उसी पीरियड से जो है बिलोंग करता है ईच पीरियड्स में मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रिक शेल गेटिंग फील्ड देखिए जब जब आपका जो पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हर एक शेल के जो है इसके अंदर जो है जो आपकी नई शेल आती जाएगी वो उस पीरियड से बिलोंग करता है जैसे कि फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है एक एटम की एक ही शेल होगी सेकंड पीरियड के अंदर उसकी दो तो शेल होगी थर्ड पीरियड के अंदर तीन फोर्थ के अंदर फोर फिफ्थ के अंदर फिफ्थ और सो ऑन क्वेश्चन नंबर नाइन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इनमें से किसने दिया था और आपके ऑप्शन है ए मैंडलीप बी न्यूलैंड सी मोसले और डी भूर एंड योर आंसर इज सी मोसली आपका जो है जब मेडलीप का आपका जो टेबल जो है वो रिजेक्ट हो गया था तो हेनरी मोसली ने जो है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया था क्वेश्चन नंबर टेन एटॉमिक मैस इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मैस होता है वो किसके इक्वल होता है और आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड योर आंसर इज ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो एटॉमिक मैस होता है वो आपका जो है उसका जो सम होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि जैसे ये आपके लिए हेल्पफुल बना है तो औरों के लिए भी हेल्पफुल बने थैंक यू